मॉर्निंग जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर, आपकी सुबह खबरों के पूरे जोश के साथ। पंजाब हरियाणा हिमाचल में क्या कुछ खास होने वाला है, देश दुनिया का हाल भी आपके साथ साझा करेंगे। कुछ अच्छी खबरें होंगी, कुछ फटाफट खबरों का रुख करेंगे, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज की हमारी सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाब से आ रही है हरचंद सिंह लौंगोवाल की 31वीं बरसी है आज, और संगरूर में एक राज्य स्तरीय समागम होने वाला है। और इस समागम में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत पंजाब बीजेपी अध्यक्ष भी शिरकत करने वाले हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। आपको बता दें कि आज हरियाणा सरकार ने सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों की एक बैठक बुलाई है। हरियाणा निवास में बैठक होने वाली है, और इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसकी अध्यक्षता करेंगे और विकास और कानून व्यवस्था की इस बैठक में समीक्षा होने वाली है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। तफसील से खबरें ले लेते हैं और पंजाब की सियासत की बात करते हैं। पंजाब से दिल्ली तक नवजोत सिंह सिद्धू पर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर सिद्धू से मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले हफ्ते सिद्धू से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सच में सिद्धू ने केजरीवाल के सामने अपनी शर्तें नहीं रखी हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग में देरी क्यों हो रही है। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए उन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कुछ शर्तें रखी हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट में साफ करते हुए कहा है कि सिद्धू ने कोई शर्त नहीं रखी है, पिछले हफ्ते उनसे मुलाकात हुई थी और सिद्धू ने विचार के लिए समय मांगा है, ऐसे में उनका सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए जो तथ्य हैं उन तथ्यों को सामने रखने की कोशिश की गई है, और उसके आईने में अरविंद जी ने साफ तौर पर कहा है कि मीटिंग हुई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि उसमें किसी तरीके की कोई शर्त नहीं रखी गई थी, और ये भी कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ वक्त मांगा है। सोच अपने ट्विटर में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिद्धू एक अच्छे इंसान और महान क्रिकेटर हैं, वो पार्टी ज्वाइन करें या ना करें मैं उनका सम्मान करता रहूंगा। पार्टी के नेताओं ने भी साफ कर दिया है कि अच्छे लोगों का पार्टी में हमेशा स्वागत है। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जिस दिन भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का फैसला लिया था, इस्तीफा दिया था राज्यसभा की सदस्यता से, तो आम आदमी पार्टी ने उस दिन से ही उनका वेलकम किया, स्वागत किया है। आम आदमी पार्टी के परिवार के साथ जुड़ते हैं तो ये हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता होगी। जब से नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा के पद से इस्तीफा दिया है तब से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। पार्टी के नेता भी कई बार इसके संकेत दे चुके हैं, और अब अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात ने कुछ कुछ तस्वीर साफ कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर देरी क्यों हो रही है और पेंच कहां फंस रहा है। बड़ा सवाल ये भी है कि सिद्धू को और कितना समय चाहिए। सवाल ये भी है क्या सच में सिद्धू ने केजरीवाल के सामने अपनी शर्तें रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी के साथ बातचीत लटकने के बाद सिद्धू पर कांग्रेस नरम नजर आ रही है। कैप्टन ने कहा है कि अगर सिद्धू कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है। बीजेपी इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जबकि अकाली दल ने इस मुद्दे पर कुछ ज्यादा नहीं बोला। My doors are always open. ये तो कांग्रेस फैमिली है। If he wishes to come, he welcome him. He's a nice boy. ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का सिद्धू पर बदला हुआ अंदाज है। नवजोत सिंह सिद्धू के आम आदमी पार्टी में जाने की चर्चाओं के बीच कैप्टन ने सिद्धू पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ सिद्धू की बातचीत सेट ना होते देख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर से सिद्धू को अपनी तरफ खींचने के लिए सिद्धू के साथ पारिवारिक संबंधों का हवाला दिया है। दरवाजे हर वेले खुले रखे ने, वो साडे पुराने साथी दे लड़के ने, इन्हां दे मदर भी और इन्हां दे फादर भी साडे नाल रहे ने, एंड वी वुड बी हैप्पी टू हैव अगर ऑन द शो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला से जब नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में पूछा गया तो वो बिना जवाब दिए चले गए, जबकि कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने गेंद हाई कमान के पाले में डाल दी।
डिवेलपमेंट के एजेंडे के उत्ते इलैक्शन लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल जी अज तक के इतिहासक डिवेलपमेंट लोगों जोड़ा वा वह स्मरण कराना साड़ी ड्यूटी है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी इस मसले पर कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, जबकि उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सिद्धू किसी भी पार्टी में जाए। नवजोत सिंह सिद्धू जाने ते केजरीवाल जाने मेरा तो किसी साडा तो आपकी पार्टी ने तर हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवजोत सिद्धू पर ट्वीट करके सफाई दी, बताया कि सिद्धू की तरफ से कोई मांग नहीं रखी गई। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर अपने सख्त रुख में थोड़ी नरमी जरूर दिखाई है, पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिद्धू का सियासी भविष्य क्या होगा। जालंधर से राजीव वधवा के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया अमृतसर। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी का कहना है कि अकाली बीजेपी गठबंधन इस बार विकास के मुद्दे पर पंजाब के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने चुनावी अभियान के तहत वो अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बारे में मतदाताओं को जागरूक करेंगे। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी ने अमृतसर के जलियांवाला बाग से मिशन 2017 के लिए अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। अनिल जोशी ने कहा है कि पंजाब सरकार इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। अपने चुनावी अभियान के तहत वो अपने विधानसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्यों के बारे में मतदाताओं को जागरूक करेंगे। डिवेलपमेंट के एजेंडे के उत्ते इलैक्शन लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल जी अज तक के इतिहासक डिवेलपमेंट लोगों जोड़ा वा वह स्मरण कराना साड़ी ड्यूटी है। वहीं अनिल जोशी ने 21 अगस्त को तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के अमृतसर आगमन की भी जानकारी दी। पूरे देश दे विच, पूरी स्टेट दे विच, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच, हर तहसील दे विच जिहड़ियां ओह तिरंगा यात्रावां कढ़ियां गईयां, उस लड़ी दे विच श्री अरुण जेटली जी 21 तरीक नूं इत्थे शहीदां दी इस थली ते नमन करन आ रहे हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। हालांकि अनिल जोशी ने भी फिलहाल शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवारों की लिस्ट पर फैसला आला कमान पर छोड़ दिया है, लेकिन पार्टी के लिए उम्मीदवारी तय करना आसान नहीं होगा। अमृतसर से राजन गुसाई के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आम आदमी पार्टी ने बेशक अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल को अपने उम्मीदवार घोषित करने की कोई जल्दी नहीं है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि पार्टी अभी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं करेगी। पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तमाम सियासी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में व्यस्त हैं, लेकिन सत्ता पर काबिज शिरोमणि अकाली दल फिलहाल इस मशक्कत से निश्चिंत नजर आ रही है। सूबे के मुखिया प्रकाश सिंह बादल का कहना है कि पार्टी को जब मुनासिब लगेगा तभी उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस दौरान आवारा पशुओं के लिए गौशाला बनाए जाने का भी जिक्र किया। साथ ही खन्ना विधानसभा के गाँव राजवाल में विकास कार्यों के लिए ग्रांट भी जारी की, जिसका लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया। किन्ने छोटे पैसे पिंड को मिले ने? हां शफी पिंड ने। हां शफी पिंड ਹੋਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੇ ਲਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਆ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਟੋਪੀ ਦੀ ਚਾਰ। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल खन्ना में संगत दर्शन के दौरान लोगों से भी मुखातिब हुए, जहां उन्होंने उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही गांव राजेवाल में विकास कार्य पूरे होंगे। हरप्रीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, खन्ना। पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं के लिए बसों को रवाना किया गया। बरनाला से उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर के लिए बसों को रवाना किया, तो वहीं मुक्तसर से सुरजीत कुमार जानी ने 5 बसों को रवाना किया। पंजाब में धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई तीर्थ यात्रा स्कीम की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। अब की बार श्री हरमंदिर साहिब के लिए विशेष यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसके लिए बरनाला से उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने 5 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। करीब 250 से अधिक यात्री बरनाला से हरमंदिर साहिब,
श्री अमृतसर साहिब के दर्शनों के लिए रवाना हुए। बहुत चंगा कदम है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा का, लोग अपने अपने धर्म स्थान से जा सकेंगे, मुफ्त जा सकेंगे, अपनी इच्छा पूरी कर सकेंगे। सानू बहुत वधिया लग रहा है वीर जी, असीं यात्रा जा रहे हैं फ्री बादल साहब वालों। भैणा वीर बजुर्ग सारे ने अज असीं धन्नवाद करते हैं डिप्टी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने सानू श्री अमृतसर साहब विखे संगत दर्शन वास्ते जाने वास्ते सानू यह माण बख्शिया है। वहीं मुक्तसर में स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जियानी ने भी श्री हरमंदिर साहिब के दर्शनों के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की 5 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जियानी ने इस दौरान मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। बादल साहब की एक अच्छी सोच है कि जिथे भी कोई जाना चाहता है तीर्थ यात्रा से, पंजाब के लोग हरिद्वार जाना चाहे, सालासर जाना चाहे, चिंतपुर्नी जाना चाहे, किते भी हजूर साहब जाना चाहे, जिवें अज हरमंदिर साहब जा रहे ने। पंजाब सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना के तहत लोगों को निशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। यात्रा के दौरान आने वाले तमाम खर्च सरकार ही वहन करती है, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से विरोधी अब इस यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। मुक्तसर से जसविंदर बब्बर के साथ बरनाला से जीवन रामगढ़, जी मीडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की तरफ से कांग्रेस को रेस से बाहर बताने पर पलटवार किया है। वहीं कैप्टन ने अनिल जोशी के विकास पर चुनाव लड़ने के दावे पर गठबंधन को घेरा है। रखड़ पुनिया की सियासी कॉन्फ्रेंस में बाबा बकाला में उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कांग्रेस को 2017 की चुनावों की रेस से बाहर बताया था। सुखबीर बादल ने कहा था कि कांग्रेस 2022 की तैयारी कर रही है, जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अकाली दल की तरफ से डर की वजह से ऐसा बयान दिया जा रहा है। डेस्परेट हुए हुए मैं थोड़ा दसा, प्रकाश सिंह बादल नु पता है कि असि साडा मांझा फिर रहे, सुखबीर नु पता होया ना पता होया मैनु नहीं पता, लेकिन प्रकाश सिंह बादल जो इन्हां दे विच पॉलिटिकल सूझबूझ रखदा है ओनू पता है कि साडी समाप्ति। बीजेपी के विकास के एजेंडे पर 2017 का चुनाव लड़ने के बयान पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सवाल उठाए। डेवलपमेंट के एजेंडे उत्ते इलेक्शन लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, श्रोमणी अकाली दल जी अज तक के इतिहासक डिवेलपमेंट लोगों जोड़ा वा वो समरण कराना साड़ी ड्यूटी है। डोलड्रम्स अनइंप्लॉयमेंट इज ऑल टाइम हाई, फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड, इंडस्ट्री भज के जा रही है, की रह गया पंजाब का, जरा मैं बादल समझाए तो सही। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। हर एक पार्टी एक दूसरे को शिकस्त देने की कोशिश में बयानबाजी के जरिए जुटी है। अकाली दल हैट्रिक का दावा कर रहा है और कांग्रेस जीत का दावा कर रही है। जालंधर से राजीव वधवा के साथ राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। आम आदमी पार्टी के पंजाब संयोजक सुच्चा सिंह छोटेपुर की उम्मीदवारों के ऐलान के वक्त गैर हाजिरी को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि पंजाब के नेताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी के नए बने सह प्रभारी जरनैल सिंह का कहना है कि पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है और छोटेपुर अगले लिस्ट के ऐलान के वक्त जरूर मौजूद रहेंगे। ये दो तस्वीरें आम आदमी पार्टी की दो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं। इन तस्वीरों में संजय सिंह, भगवंत मान और प्रोफेसर बलजिंदर कौर नजर आ रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों में आम आदमी पार्टी के स्टेट कन्वीनर सुच्चा सिंह छोटेपुर की गैर हाजिरी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। पहली लिस्ट जारी करने से एक पहले HS किंगरा ने पार्टी नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया और दूसरी लिस्ट जारी होने से ठीक एक दिन पहले पार्टी के एक और नेता पवित्र सिंह ने टिकट बेचने का आरोप लगाया। सुच्चा सिंह छोटेपुर और पार्टी के और नेताओं के आरोपों के बाद अब विरोधियों ने आम आदमी पार्टी पर हमला शुरू कर दिया है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी में एक ही तजुर्बेकार नेता सुच्चा सिंह छोटेपुर को पीछे धकेला जा रहा है और बाहर से आए लोगों को आगे किया जा रहा है। उन्होंने को जिन्हों थोड़ा तजर्बा है सरकार चलाने का वह है छोटेपुर। जदों मेरे नाल इस्तीफा दिता सी इन्हें 1985 फ्रॉम बरनाला गवर्नमेंट जदों किया सी उन्होंने 4 महीने का तजर्बा सी। होर तो सारे अनाड़ी जी ने चलाएंगे पंजाब जिन्हों की तस्वीर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का दावा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और सुच्चा सिंह छोटेपुर अगली लिस्ट जारी करने के वक्त जरूर हाजिर रहेंगे। तो अभी तो सूचियां बढ़ी जा रही होनी है, जो अभी होगा आएगा। क्या सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास है। आम आदमी पार्टी चाहे उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने में सबसे आगे नजर आ रही है, लेकिन उम्मीदवारों के नामों पर अपने ही सवाल उठा रहे हैं और विरोधी तो आम आदमी पार्टी को घेरने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी अपने घर में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा जरूर कर रही है। जालंधर से राजीव वतवा के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों को राहत देते हुए मान्यता देने के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत निजी स्कूलों को अब हर साल की बजाय 4 साल बाद सरकार से मान्यता लेनी होगी। पंजाब सरकार ने निजी स्कूल प्रबंधन के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री दलजीत चीमा ने प्राइवेट स्कूलों को अपनी मान्यता का रजिस्ट्रेशन हर साल कराने की परेशानी से आजादी दे दी है। अब इन स्कूलों को अपना रजिस्ट्रेशन हर साल की जगह 4 साल बाद ही कराना होगा, जिस पर स्कूल प्रबंधन ने खुशी जाहिर की है। ये दलजीत सिंह चीमा जी ने एक नवी एसोसिएशन चला के आने वाली 2010 तो जड़ा कि सानू हर साल रेगुलर फाइल जमा करवानी पैंदी सी, मगर इस साल तो उन्होंने सानू 4 साल की डायरेक्ट सीधी मान्यता दे के ये आने वाली प्रॉब्लम्स सानू मतलब काफी सहूलत दी है। दरअसल इससे पहले राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार स्कूलों को अपनी सोसाइटी, ट्रस्ट समेत कई संस्थाओं और विभागों को हर साल रजिस्टर्ड कराना होता था। ऐसे में स्कूल प्रबंधकों के लिए ये बड़ी राहत होगी। वहीं स्कूल प्रबंधन की अब मांग है कि उनके साथ पेश आ रही बाकी परेशानियों को भी जल्द दूर किया जाए, जिस पर शिक्षा मंत्री ने गौर करने का भरोसा दिया है। सारे प्राइवेट स्कूलों वेलफेयर डिपार्टमेंट के नाल माइनॉरिटी स्कॉलरशिप वास्ते रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि काफी स्कूल है जो रजिस्टर नहीं है। पंजाब सरकार का स्कूलों के रजिस्ट्रेशन में राहत देने के इस फैसले का स्कूल प्रबंधन तो स्वागत कर रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में सरकार के इस फैसले को चुनावी स्टंट के तौर पर देखा जा रहा है। रोपड़ से विजय कपूर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद होमगार्ड के जवानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश के होमगार्ड के जवानों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद होमगार्ड के जवानों ने गुरदासपुर में कार्यक्रम का आयोजन करके पंजाब सरकार का धन्यवाद किया। पंजाब सरकार ने होमगार्ड के जवानों को एक तोहफा दिया है। उनकी सैलरी को बढ़ाकर 13,000 रुपए से 30,000 रुपए कर दिया गया है। होमगार्ड यूनियन ने पंजाब सरकार का धन्यवाद करने के लिए बैठक और इस बारे में होमगार्ड यूनियन ने पंजाब सरकार का धन्यवाद करने के लिए गुरदासपुर के धारीवाल में एक विशेष प्रोग्राम करवाया, जिसमें अकाली दल के सीनियर नेता सेवा सिंह सेखवा पहुंचे। उनका कहना था कि पंजाब देश का एक ऐसा राज्य है जिसने कोर्ट के आदेशों को बिल्कुल सही तरीके से लागू किया है और इससे बड़ी बात यह है कि होमगार्ड के जवानों को बढ़ी हुई सैलरी 11 मार्च 2015 से मिलेगी। साड़ी सरकार ने जो ये फैसला लिया ये शलाघाजोग है, होमगार्ड के जवानों वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हां वास्ते उन्हां दे परिवार वास्ते। 11/3/2015 तो ये जड़ा ग्रेड है अपने होमगार्ड के जवानों नूं मिलेगा। पंजाब सरकार के फैसले का होमगार्ड के जवानों ने स्वागत करते हुए सरकार का धन्यवाद किया और साथ ही मांग की कि उनको रेगुलर किया जाए और रिटायरमेंट की आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल की जाए। पंजाब सरकार वालों ये तोहफा दिता गया, असी बहुत धन्यवादी हाँ। पंजाब सरकार वालों तकरीबन हर एक सरकारी मुलाजिम 60 साल नौकरी का जिहड़ा आ मौका दिता जा रहा, पर साडे जवान जिहड़े 58 साल नौकरी कर रहे, साडी पंजाब सरकार तो पुरजोर मांग आ साडे जवानां नूं ही 60 साल नौकरी का मौका दिता जाए।
विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब सरकार का होमगार्ड के जवानों को यकीनन ये एक बड़ा तोहफा है, जिसके साथ ही होमगार्ड के जवानों की एक लंबित मांग पूरी हो गई। अजय महाजन, जी मीडिया, गुरदासपुर। चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा में बयानबाजी जारी है। एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ पर पंजाब का हक बताया है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र को चिट्ठी लिखकर चंडीगढ़ के प्रशासन को रोटेशन पॉलिसी के अधीन लाने की मांग की है। चंडीगढ़ के लिए अलग से प्रशासक नियुक्त करने और फिर से अकाली दल के दबाव में फिर से अपने फैसले को बदलने पर इससे सियासत और तेज हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र को कहा है कि चंडीगढ़ के प्रशासक की जिम्मेवारी दोनों प्रदेशों के राज्यपालों को रोटेशन पॉलिसी के अधीन मिलनी चाहिए। उधर चंडीगढ़ की लड़ाई में INLD भी कूद पड़ी है। INLD ने चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक जताया है और कहा है कि प्रदेश सरकार को इस पर कड़ा स्टैंड लेना चाहिए। पत्र लिखने की बात नहीं है, लेकिन एक भावना ऐसी उजागर की गई है और वर्बली इस बात की चर्चा हुई है कि या तो सीनियोरिटी के आधार पर नहीं तो रोटेशन के आधार के ऊपर इस प्रकार का अगर करेंगे तो इसमें कई प्रकार की बातें चंडीगढ़ के लोगों को भी पसंद आएंगी। तो चंडीगढ़ के लोग भी चाहते हैं कि रोटेशन में किया जाए और दोनों प्रदेशों के लोग चाहते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। अगर सरकार कर देती है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो हरियाणा के हमारे गवर्नर हमारे हरियाणा के हित में काम कर ही रहे हैं। रोटेशन नहीं, चंडीगढ़ तो वैसे भी हरियाणा का अगर कोई लगाना भी इसको इसी स्थिति में रखना हो तो भी हरियाणा के अधिकारी को ही इसका एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहिए और इस पे हरियाणा सरकार का ही पूरा नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि पंजाब का तो इससे कोई लेना देगा ही नहीं है, क्योंकि पंजाब को तो ये शाह कमीशन के अवार्ड के नीचे मिला ही नहीं था। उधर चंडीगढ़ को लेकर पंजाब की सियासी पार्टियों ने भी कमर कस ली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अकाली दल की केंद्र और प्रदेश सरकार में गठजोड़ है, इसलिए अकाली दल को केंद्र सरकार से राजीव लोंगोवाल समझौते के तहत चंडीगढ़ को पंजाब के लिए जल्द से जल्द मांगना चाहिए। उधर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने चंडीगढ़ की राजधानी को लेकर हुए विवाद के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेवार बताया था। लड़की होते डॉटर ना होते बैठे मिनिस्टर, उन्होंने बंदे ऐसे उन्होंने वजीर बैठे ने, सो अगर हुन लीवरेज नहीं उन्हें मिल सकती तो फिर कदों मिलेगी उन्हें लीवरेज? जाके ही शुड गेट चंडीगढ़ गिवन टू अस एंड फिक्स अ डेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने पैसे देन हरियाणा नु के अपना बना। चंडीगढ़ पर शुरू हुई सियासत इसलिए आने वाले दिनों में और तेज होगी क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव है। हर सियासी पार्टी अपने हिसाब से इस पर बयानबाजी कर रही है। जलंधर से राजीव वधवा, चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।